हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे आप सभी। नमस्कार, मैं हूं शिवम और हाजिर हूं मैं एक नए व्लॉग वीडियो के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज किस व्लॉग वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे हाजी अली दरगाह को। माय डियर फ्रेंड्स, हाजी अली दरगाह मुंबई का सबसे क्राउडेड जगह और मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं और घूमते हैं हाजी अली दरगाह। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे शिवम राज प्रोडक्शंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं आया मुंबई सेंट्रल से पैदल चलते हुए 20 मिनट तक समुद्र किनारे तक। फिर समुद्र किनारे से मुझे जाना है अभी हाजी अली दरगाह, जो कि बहुत दूरी पे है। अभी देख सकते हो आप पीछे। तो मैं मुंबई सेंट्रल से क्यों चल के आया, क्योंकि हाजी अली दरगाह मुझे जाना था। और जो है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन हाजी अली दरगाह के सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। तो मैं आ चुका हूँ फिलहाल समुद्र के किनारे। मुझे रेलवे स्टेशन से चलते चलते 20 मिनट लग गए, तो चलो मैं निकलता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड, हाजी अली को जाने वाला समुंदर का रास्ता रोज़ शाम को 9:45 से 6 AM तक बंद रहता है, उसके बाद खुलता है। तो आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ही आप गेट के अंदर घुसेंगे आपको बहुत सारी दुकानें जिस पर चादर मिलेगी बाबा चढ़ाने के लिए, और बहुत सारे खेल खिलौने, चश्मे, सेल्फी स्टिक, बहुत सारी चीज़ें, आपको ड्रेसेस और डिजाइनिंग शूज़ वगैरह बहुत काफ़ी कुछ मिलेंगे। तो आप उधर से लेके फ्लावर लेके भी बाबा को चढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो हाँ डियर फ्रेंड्स, मुझे 10 मिनट हुए चलते चलते धीरे धीरे। तो मैं आधे रास्ते पे पहुंच गया हूँ, बस थोड़ी ही दूरी पे है हाजी अली दरगाह। तो चलो चलते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप बारिश के टाइम पे आते हैं तो बारिश के टाइम पे पूरा समुंदर भरा हुआ पड़ा रहता है, और फिर उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ही रूट है और उसमें लहरें आती रहती है इधर उधर से। तो यह है वो पवित्र स्थल जिसको हम कहते हैं हाजी अली दरगाह। यह मुंबई वर्ली के एक समुद्री टापू पर बना हुआ है। हाजी अली दरगाह में हर साल हर जात पात, देश विदेश, हर धर्म के लोग सब कुछ भेदभाव छोड़कर यहाँ पे अपनी श्रद्धा लिए आते हैं और दुआएं मांगते हैं। कहते हैं यह दरगाह 1431 से यहाँ पे बनी हुई है, और ये जो नया निर्माण हुआ है, जो देख रहे हैं आप संगमरमर का बना हुआ है, वह कुछ ही वर्षों पहले हुआ है।
हाजी अली दरगाह के अंदर काफ़ी कुछ खाने पीने की सुविधाएं हैं, और औरतों के लिए अलग लाइन है, मर्दों के लिए अलग लाइन है। आप देख सकते हैं शाम हो चुकी है तो सब लोग दुआएं मांग रहे हैं। हाजी अली दरगाह का कुछ भाग अभी मेंटेनेंस में है, और जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे हाजी अली दरगाह की शोभा बढ़ती जाती है। समुद्रों के बीच बहुत ही सुहावना नज़र आता है हाजी अली दरगाह। और एक कमाल की बात मैं आपको बता दूं कि हाजी अली की बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है। यह एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत ही अनोखा उदाहरण है। खिड़कियाँ, मीनारें, दीवारें कलाकृतियों से भरी हुई हैं। यहाँ की शाम बहुत ही लुभावनी होती है, लोग फोटो खींचते नहीं थकते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ हाजी अली के बारे में। तो हाजी अली एक बहुत बड़े व्यापारी थे। जब ही वो मक्का जा रहे थे तो उन्होंने सारी संपत्ति अपनी छोड़कर या दान करके वो मक्का को जा रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उनकी जो टास्केट थी बहते हुए इधर मुंबई के तट पर आई। और जब टास्केट को ओपन किया गया उसके अंदर देखा गया कि एक बूंद भी पानी अंदर नहीं गया था, वो बिल्कुल अंदर सुरक्षित थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही कारण है कि कहते हैं हाजी अली दरगाह कितनी भी बाढ़ आ जाए, समुद्र कितना भी उफान मारे, डूबती नहीं। तो और यहाँ पे उनका मकबरा बना दिया गया, और ये जो हाजी अली की जो बिल्डिंग है बनी हुई है वह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही सुहावना लगता है, और बारिश के दिनों में तो पूछो मत, बहुत ही अच्छा लगता है। फ़िलहाल अभी तो सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में सब कुछ दिखाया। तो काफ़ी अच्छा एंजॉय किया, और ख़ासकर तो सनसेट बहुत ही अच्छा है। और ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर है, इधर से आप जाके सेल्फ़ी ले सकते हैं, और सेकेंड फ्लोर है, इधर से भी जाके आप सेल्फ़ी ले सकते हैं, दोनों से। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप 4 या 5 बजे के बीच में आइए, तो इससे आपको धूप भी नहीं लगेगी और सनसेट का काफ़ी अच्छा एंजॉय कर पाएंगे आप। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।